क्या पुराना कैनवास जो हमने बर्बाद कर दिया है इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? ये जो कैनवास होता है ना दोस्तों, ये बड़ा महंगा आता है और इसको फेंकने में बड़ा दिल दुखता है। तो दोस्तों जो ये एक्रेलिक पेंट आर्टिस्ट जो भी होते हैं ना, उनको ये एक एडेड ऑन बेनिफिट है कि उनका कोई सा भी कैनवास कभी भी बर्बाद नहीं होता, क्योंकि एक्रेलिक पेंट के ऊपर हम एक लेयर लगा करके हम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ लॉजिकल आर्टिस्ट बीना, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पुराने बर्बाद हुए कैनवास को आप दोबारा से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट तरीका है वो है ये जेसो लगाना। ये देखिए ये दोस्तों, ये मॉन्ट माटे का जेसो है, कैमल का भी जेसो आता है, वो भी इक्वली गुड होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर आप जेसो का एक दो कोट लगा देंगे तो ये दोबारा से नया हो जाएगा। जेसो का कोट लगा करके आपको इसको सूखने के लिए छोड़ देना है 24 घंटे के लिए, और ये आपका कैनवास दोबारा से रेडी हो जाता है। तो दोस्तों मैं लगा करके अभी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ब्रश कौन सा यूज़ करें। ये जो हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश होते हैं ये आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ये जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश होते हैं, ये ऐसे ब्रश आपको यूज़ करना है इसके ऊपर जेसो का कोट लगाने के लिए। तो दोस्तों ये मेरा एक जेसो का कंटेनर है, मैं इसमें थोड़ा सा जेसो निकालती हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा पानी मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, और इस पानी को मिक्स करके इसको आपको अच्छे तरीके से एक मिक्स देना है। उसके बाद इसको आपको इस कैनवास के ऊपर एक डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अब इस लेयर को आपको सूखने देना है, और इसके बाद आपको और एक लेयर अप्लाई करना है। और एक लेयर अप्लाई करने के बाद ये जो कैनवास है ये गुड टू गो हो जाएगा। हल्का सा नीचे से एक्रेलिक कलर दिखेगा, लेकिन जब आप ऊपर से अपना दोबारा से पेंटिंग बनाओगे तो वो एज इट इज़ छुपता जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए इसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। अब ये सूख चुका है तो मैं इस पे फिर से एक और कोट अप्लाई करती हूँ, लेकिन पहले मैंने इस तरफ से किया था, अब मैं इस तरफ से करूँगी। इस तरफ से करने से होगा ये कि आपको एकदम इवन कोट मिल जाएगा, जो कैनवास के जो ग्रेन्स हैं वो इवनली जैसो से कोट हो जाएंगे। इवन कोट हो चुका है, अब आपको इसको 24 to 48 आवर्स सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद आप इसके ऊपर दोबारा पेंटिंग कर सकते हैं। ये तो था दोस्तों व्हाइट जेसो। इसके अलावा ये देखिए आप, ये एक ब्लैक जेसो भी आता है। ब्लैक जेसो सबसे बेस्ट रहता है पुराने कैनवास को फिर से नया करने के लिए। तो ब्लैक जेसो में भी आपको कुछ नहीं करना है, बस जेसो थोड़ा सा लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से आपको इसको स्प्रेड कर देना है। अनलाइक वाइट जैसो आपको इसका 2 या 3 लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एक लेयर लगाएंगे एंड इट इज़ गुड टू गो। आप देख सकते हैं ब्लैक जैसो जो होता है वो थोड़ा सा थिक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट जैसो। तो आप क्या करें इसमें कि इवनली हर एक कैनवास के ग्रेन को कोट करने के लिए पहले आप इस तरफ से जेसो का कोट लगाएं और फिर आप इस तरफ से जेसो का कोट लगाएं। आपका ये जो कैनवास है इवनली कोट हो जाएगा। तो दोस्तों जो जब हम पुराने कैनवास के ऊपर एक जेसो का कोट लगाते हैं, इधर वाइट लगाएं या ब्लैक लगाएं, तो भी जो पुराना पेंट होता है उसका कुछ टेक्सचर दिखाई देता है। तो डजेंट मैटर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो टेक्सचर दिखाई देता है तो वो थोड़ा और एनहेंस करता है पेंटिंग को। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ये लगा करके इसको सूखने के लिए छोड़ दें 24 से
48 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें, और जब सूख जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो दोस्तों, कैनवास कभी भी बर्बाद ना करें, उसको दोबारा से रीयूज़ ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।